मामला कानपुर देहात के भूमिपुर कोतवाली क्षेत्र के चौरा गांव का है, जहां पर युवक की पुश्तैनी जमीन है जिसके बगल में उसकी बहन का प्लॉट है। प्रार्थी निसार ने भोगीपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसकी बहन रास्ते को लेकर आए दिन गाली गलौज करती है और मारपीट को आमदा रहती है। साथ ही प्रार्थी ने डायल 112 पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि कल डायल 112 पुलिस उक्त मामले में पहुंची थी और पुलिस ने प्रार्थी और उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज की थी और गाड़ी में बैठाकर आधे रास्ते तक लेकर आए और प्रार्थी से 2000 रुपये भी लिए। कोतवाल बैजनाथ सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इंडियन टाइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की रिपोर्ट। नाम है आपका? निसार। कहाँ के रहने वाले हैं? चौरा के सर। अच्छा, आज कहाँ पे आए हैं आप? भोगनीपुर थाना। क्या मामला हो गया है? मामला ये है सर, मेरी निजी जमीन पे बहन कब्जा करना चाह रही है और जबरदस्ती मारपीट के कब्जा कर रहे हैं। ये लोग मान नहीं रहे। कल इन्होंने जो है हमारे साथ घटना की, जबकि हमने कुछ नहीं किया। इनके साथ इनने 112 नंबर बुलाई, हमें धक्का मुक्की करवाई, उसको रिश्वत दे के मेरी वाइफ को गालियां दिलवाई। किसने गालियां दिलवाई? 112 नंबर वालों ने दी। किस बात को लेकर दे दी भाई? भाई हम ये कह रहे थे हमसे साइन करो आप, इनको 5 फीट जगह दो निकलने के लिए, और वहाँ कोई गुंजाइश नहीं थी मेरे पास सर। लेकिन हमें इनके दबाव में ज़बरदस्ती डरा धमका कर हमें ज़बरदस्ती साइन करवाया, 5 फीट दवा जगह भी दिलवाई। किसने साइन करवाया? 112 नंबर वालों ने साइन करवा लिया आपसे और हमें पकड़ के लिए आए, पैसे भी लिए हमसे। किसने लिए पैसे आपसे? 112 नंबर वालों ने। कितने पैसे ले लिए थे आपसे? 1000 रुपये। किस बात का लिया आप? इस बात का लिया कि हम तुम्हें चौकी में डाल देंगे, बंद कर देंगे, अंदर डाल देंगे, तुम्हें केस लगा देंगे, तुम गुंडागिरी कर रहे हो, और जबकि हमारी ज़मीन है सर, निजी ज़मीन है हमारी, माँ बाप का हिस्सा है मेरे, मुझे दिया गया है, लेकिन बहन अपना अवैध कब्जा करना चाह रही है उसकी। अच्छा, कौन कौन है ये बहन के साथ साथ में और कौन कौन परेशान कर रहा था? हमारे बहनों ये इदरीस है, उसका लड़का एक नेता है अनीस, नफीस और मनीष, तीन लड़के हैं। ये गुंडागिरी करते हैं, मारपीट करवाते हैं हमारी। तो आपकी जमीन में, आपकी जमीन पर आपकी बहन बहनोई कब्जा कर रहे हैं और विवाद कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने अभी प्रार्थना पत्र दिया, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है आपको? हमें आश्वासन ये दिया है कि आप उनको 1 इंच जमीन नहीं देंगे, ये नाली से निकलना चाहे तो निकले, नहीं 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी। तो क्या आपकी बहन आपके घर के अंदर से रास्ता मांग रही है? क्या घर के अंदर से रास्ता मांग रही है साहब? 20 से तुम्हारा मलका। कहाँ रहने वाली हैं? चौरा। अच्छा, आज आप कोतवाली भोगनीपुर आई हुई हैं, क्या पूरा मामला है? जगह वाला मामला और प्लाट वाला। कौन कब्जा कर रहा है? नंदोई कब्जा कर रहा है। नंदोई कर रहा है। आपने मना नहीं किया उनको? मना किया तो कल पुलिस 16 नंबर बुलवा ली और आदमी को मारपीट करी, हमें गाली गुप्ता दी है और लड़के को पकड़ ले गए, आदमी से 2000 रुपया लिए। फिर लड़के को कहने लगे कि चौकी ले चलो, फिर रास्ते में 2000 रुपया उनसे लिए। अच्छा, पुलिस वालों ने पैसे ले लिए? पुलिस वालों ने पैसे लिए। तो आपने उनसे कहा नहीं कि महोदय ये जो कब्जा कर रहे वो जमीन हमारी है? वो उन्होंने हमारी कहा था, हमने उन्होंने हमारी बात मानी नहीं है, गाली गुप्ता हमें गंदी करी, वो मार के उन्होंने रुपया खा गए 3000। तुमसे भी पैसा लिया, उनसे भी पैसा लिया? उनसे भी लिया रुपया। तो यहाँ पर आपके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है आप लोगों द्वारा, तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया कार्रवाई के लिए? कार्रवाई के लिए जी कहा है कि उधर तुम जमीन 1 इंच जमीन नहीं देना उनको। अच्छा, मतलब पुलिस यहाँ के थाने इंचार्ज साहब ने कहा है कि एक भी जमीन देना नहीं उनको? उनको जमीन नहीं देना बिल्कुल, नाला से अपना करें निकलना, नाला से निकलेगी, जमीन को नहीं देना।